शादी के तुरंत बाद क्या तलाक हो सकता है? यानी अभी जो म्यूचुअल पिटीशन भी अगर आप फाइल करेंगे, आपसी सहमति तलाक भी अगर आपने कोर्ट में फाइल किया, तो उसमें लगभग एक साल का समय तो आपको इंतजार करना है, क्योंकि ये डेट ऑफ सेपरेशन आप जो मेंशन करते हैं, पति और पत्नी के बीच में एक साल का सेपरेशन होना जरूरी है। लेकिन एक साल के पहले भी क्या आप तलाक का केस कोर्ट में फाइल कर सकते हैं? क्या आपको साल भर के पहले भी तलाक मिल सकता है? इस वीडियो में पूरी जानकारी मेरा आप तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा। चलिए बात करते हैं इसी टॉपिक में। इसके पहले अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपना चैनल है ऑनलाइन लीगल एडवाइस, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे इसी प्रकार के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलते रहें, आप तक पहुंचते रहें। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले हम लोग कि अगर एक साल के पहले भी तलाक लेना है तो क्या प्रोविजन है, क्या कानूनी प्रावधान है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दो चीजें हम लोग समझते हैं, ये डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है और दूसरा प्रोसीजर क्या है। डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट का मतलब ये हुआ कि कोर्ट के पास अगर आप एप्लीकेशन, कोर्ट के सामने जब आप एप्लीकेशन यानी अपना डिवोर्स का केस डालेंगे, तो कोर्ट कुछ चीजों को देखती है और कोर्ट का खुद का डिस्क्रिशन है। अगर चाहे तो आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकती है, या कोर्ट को अगर ठीक नहीं लगता तो वो रिजेक्ट भी कर सकती है। कुछ मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपने एप्लीकेशन दिया और कोर्ट को अलाउ करना ही है, जज के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी बात प्रोसीजर, उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। क्योंकि जो स्ट्रिक्ट प्रोविजन ऑफ लॉ है, मतलब जो काफ़ी रिजिड कठोर जो कानून है हमारे भारत का तलाक को लेकर के, वो इस वजह से है कि हमारे देश में या जो हमारे संबंध हैं वो बहुत जल्दी टूटे नहीं और हम अपने मैरिज को बचा के रख सकें। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के जो कठोर कानून हैं, कठिन कानून हैं, वो बनाए गए। इसके बाद हम लोग को ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि कई बार रिलेशनशिप में तो आ जाते हैं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है, लेकिन वो आपस में इतना ज़्यादा जटिल हो जाता है कि दोनों का साथ में रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से ग्राउंड भी दिए गए हैं, आधार भी दिए गए हैं, जिन आधार को लेकर के आप तलाक का केस कर सकते हैं। इसके पहले मैंने वीडियो बनाए हैं, आप ज़रूर वीडियो चैनल पर मेरे जाकर के सारी जानकारी ले सकते हैं। और जो पब्लिक और लीगल पॉलिसी है, दोनों की दोनों हमारी शादी को बचाने के लिए है, शादी को तोड़ने के लिए नहीं है। इस वजह से भारत का कानून बहुत ही ज़्यादा कठिन है। और जो वेटिंग पीरियड रखा गया है कि भाई आप तुरंत आज शादी की और कल तलाक आपका ना हो जाए, उसके लिए वेटिंग पीरियड है। जो डेट ऑफ सेपरेशन आप मेंशन करते हैं वो कम से कम आपकी शादी से एक साल ज़्यादा का होना चाहिए, पति पत्नी के बीच में संबंध ना हो, ऐसा आपको कोर्ट के सामने मेंशन करना होता है, जो एक साल से ज़्यादा का है। तो क्या हम लोग एक साल पहले भी कोर्ट में केस फाइल करके तलाक ले सकते हैं? मैंने आपको बताया डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है, और काफ़ी सारे मेजर्स प्रोवाइडेड हैं सेक्शन 14 हिंदू मैरिज एक्ट में, और साथ ही अगर हम लोग स्पेशल मैरिज एक्ट की बात करें तो सेक्शन 29 स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में भी काफ़ी सारे प्रोविजंस स्पेसिफाइड हैं, जहां पे इन दोनों पर्टिकुलर सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट धारा 14 और स्पेशल मैरिज एक्ट सेक्शन 29 में सारे प्रोविजंस मेंशन हैं कि अगर कब हम कोर्ट के सामने अपनी एप्लीकेशन भी दे सकते हैं, हमारा एक साल का सेपरेशन नहीं हुआ उसके बावजूद। अब सिचुएशन होती है दोनों ही प्रोविजंस में, जो मैंने आपको सेक्शन 14 बताया और सेक्शन 29 बताया स्पेशल मैरिज और हिंदू मैरिज एक्ट का, उन दोनों में ही कुछ कंडीशन है। कंडीशन आप समझ लीजिए, तभी आप अपना केस कोर्ट के सामने एक साल के पहले भी पुट अप कर सकते हैं और एक साल के पहले तलाक ले सकते हैं। सबसे पहला एक्सेप्शनल हार्डशिप ऑफ द पिटिशनर, इसका मतलब क्या हुआ इसको हम लोग समझेंगे। दूसरे नंबर पे है एक्सेप्शनल डेप्रेविटी ऑन रिस्पोंडेंट्स पार्ट। तीसरा बच्चों को लेकर के, बच्चों का इंटरेस्ट, चिल्ड्रन का इंटरेस्ट। और चौथा पॉसिबिलिटी ऑफ रिकाउंसिलिएशन। तो ये चार पर्टिकुलर पॉइंट होते हैं जो कोर्ट कंसीडर करती है, और अगर ये चार पर्टिकुलर पॉइंट हैं तो आप एक साल के पहले भी तलाक ले सकते हैं। एक्सेप्शनल हार्डशिप का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एडल्ट्री एक ऑफेंस है। एडल्ट्री का मतलब पति पत्नी का रिश्ता है, दोनों को शारीरिक संबंध एक दूसरे के साथ बनाने हैं, लेकिन पति या पत्नी एक दूसरे को छोड़कर किसी और के साथ यदि शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वो एडल्ट्री होता है। जी हाँ, और ये एडिशनल एक्सेप्शंस में नहीं आएगा और ये डेप्रिविटी में भी नहीं आएगा। डेप्रिविटी का मतलब क्या होता है जरा समझते हैं। डेप्रिविटी का मतलब होता है एक बहुत ही हेनरिस टाइप का या जघन्य या नीचता से भरा कोई ऑफेंस, चाहे वो मैट्रिमोनियल हो या क्रिमिनल हो, आप उसे कंसीडर कर सकते हैं।
जैसे वाइफ ने शादी की हस्बैंड के साथ, लेकिन वो पहले से ही प्रेग्नेंट थे, तो ये डेप्रिविटी में आ जाएगा, एक्सेप्शनल हार्डशिप में आ जाएगा, और इसको आधार बना करके पति पत्नी के खिलाफ पिटीशन दायर कर सकता है, एक साल के पहले भी कर सकता है और तलाक ले सकता है। शादी के बाद पति को ये लगा कि पत्नी प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, वेश्यावृत्ति कर रही है, गलत ऐसे काम कर रही है जहां पर उसके कई लोगों के साथ में शारीरिक संबंध है और जिसके प्रॉपर एविडेंसेस पति के हाथ में लग गए, ये भी आ जाएगा डेप्रिविटी और एक्सेप्शनल हार्डशिप में, और इसका भी फायदा उठाते हुए पति पत्नी के खिलाफ और सेम पत्नी पति के खिलाफ एक साल के पहले भी मुकदमा दायर कोर्ट में कर सकती है और तलाक का केस ले सकती है। हस्बैंड एडल्ट्री में है, उसके साथ काफी ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, मतलब पति ने किसी और औरत के साथ में संबंध बनाए अपनी पत्नी को छोड़कर और अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है, ये भी एक एडिशनल एक्सेप्शन और डेप्रिविटी में आ जाएगा, और जिसको आधार बनाकर के पत्नी एक साल के पहले भी सेक्शन 29 स्पेशल मैरिज एक्ट और 14 हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविजन को स्पेसिफाई करके कोर्ट में एप्लीकेशन एक साल के पहले तलाक लेने के लिए भी फाइल कर सकती है। अब प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर के लिए जैसा मैंने आपको बताया, एप्लीकेशन आपको कोर्ट में देना है, कोर्ट का डिस्क्रिशन है, कोर्ट चाहे तो आपके सारी जो चार मैंने पॉइंट्स बताए बच्चों को लेकर के या एडिशनल हार्डशिप या डेप्रिविटी को लेकर के या कि एडल्ट्री और हेनरियस क्राइम को लेकर के इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करके, और कोर्ट ये भी देखेगी कि आप लोग साथ में रह सकते हैं या नहीं, आपके रिकाउंसिलिएशन की संभावना है या नहीं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट आपका जो भी सेक्शन 14 या 29 स्पेशल मैरिज का एप्लीकेशन जो आप कोर्ट के सामने दे रहे हैं उसे डिसाइड कर सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात, कोर्ट ऑपोजिट यानी रिस्पोंडेंट को नोटिस दे ऐसा जरूरी नहीं है। प्राइमा फेसाई आपको केवल ये जो चार पर्टिकुलर पॉइंट है वो प्रूफ करने पड़ेंगे, जैसा मैंने आपको पहले बताया, अगर ये आप प्रूफ कोर्ट के सामने कर देते हैं, कोर्ट को जस्टिफाई लगता है, तो वो आपकी एप्लीकेशन अलाउ कर सकती है। आपका जो तलाक है एक साल के पहले भी हो सकता है। आपको जानकारी कैसी लगी जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे मेंशन कीजिए। इसके साथ ही अगर आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए आप मुझे बात करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लिंक मेंशन है जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए बात कर सकते हैं। हमेशा जो महत्वपूर्ण और कीमती समय आप मुझे देते हैं इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद, और साथ ही जरूर सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस।